अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि कैसे सही तरीके से होल्डर में बल्ब फिटिंग किया जाता है। काफ़ी लोग जो क्या होता है लगाने जाते हैं तो कभी भी ये होल्डर का ये पिन टूट देता है, तो कभी ये बल्ब टूट जाता है ज़्यादा प्रेशर देने से। इसको हम सही तरीके से लगाना सिखाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो टू एंड तक बने रहो। तो पहले तो ये हमारे पास होल्डर है और ये बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, देख सकते हो। ये ज़्यादा प्रेशर पर तो टूट सकता है। तो इसको हम हल्के तरीके से यहाँ से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ये जो हमारा ये दोनों तरफ जो कटा हुआ है ये प्लेट का, इसको हम निफिल को हम ऐसे डालेंगे दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और इसको प्रेशर देंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा ही घुमा देंगे, इसको प्रेशर देंगे। और प्रेशर देने के बाद जब ये इस साइड में आ जाएगा, ये इधर कट में आ जाएगा, तब इसको प्रेशर देके घुमा देंगे। हमारा लग गया इजी तरीके से। और हम क्या करते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं और ऐसे घुमा देते हैं, और क्या हो जाता है कभी ये टूट साइड का ये टूट जाता है या तो ये पिन उखड़ जाता है। ध्यान रहे कि आप जब इसको अंदर डालोगे तब ज़्यादा प्रेशर देना है अंदर, और प्रेशर देने के बाद इसको घुमाना है, तो क्या होगा अंदर का कुछ टूटेगा भी नहीं और ये जो प्लेट है ये भी बच जाएगा। और एक इधर एक चीज़ बता दो, यहाँ जो होता है स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग से ये प्रेशर देने से अंदर चला जाता है। और अगर इसमें अच्छे तरीके से इसको फिटिंग ना किया जाए तो क्या होगा, ये टूट जाता है, साइड से टूट जाता है। तो ये सभी होल्डर के लिए आप लगा सकते हैं, कोई भी होल्डर हो, या वॉल होल्डर हो, या सीलिंग होल्डर हो, कुछ भी होल्डर हो, उसके लिए ऐसे आप लगा सकते हैं, प्रेशर दे के ऐसे लगा सकते हैं। बहुत ईजी है, क्योंकि ये बहुत ही कमेंट आता है कि यार ये होल्डर लगाने जाता हो तो होल्डर टूट जाता है पूरा। इसके बारे में एक वीडियो बनाया, तो अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो एक लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।